बन के तैयार हो गई हमारी गांव देहात की देसी फलियों की सब्जी। दीवार से न लगाना पड़ेगा, मना करेंगे वो दीवार से। सभी के लिए राम राम जी। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और जहाँ पे आप देख सकते हो आज मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो इसी वजह से हम यहाँ चूल्हे पे बैठे हैं। नीरज जी यहाँ पे आप देख सकते हो खाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख लो आज फलियों की सब्जी बनेगी। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये देसी फलियां हैं तो इन्हीं को आज बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। यहाँ पे फलियों को यहाँ पे आप देख सकते हो पने लिया है और ये देख सकते हो पानी से अच्छी तरह से धो रही है आलू वगैरह सब कुछ। और जसनप्रीत आ गई है बाहर से खेलकर, इसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कह रही मम्मी मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही तुमको? हैं कितनी सारी लग रही है? बहुत सारी लग रही है। तो अभी दोस्तों हमारी आग अच्छी तरह से जल गई है और सारा सामान भी नीरज जी यहाँ पे ले आई हैं और जैसे कि मेरी गोद में बैठ गई है, देखो उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी तड़का लगवाते हैं। तो तेल नीरज जी ने यहाँ पे दे दिया है, ये देख सकते हो दोस्तों देसी सरसों का तेल। और जैसे ठंड लग रही है बैठ गई आके। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है तो सबसे पहले यहाँ पे देसी तड़का लगाएंगे नीरज जी लहसुन से। तो लहसुन यहाँ पे आप देख सकते हो इतना सारा दे दिया नीरज जी ने, क्योंकि तो लहसुन की यहाँ पे तड़का लगता है इसमें और लहसुन से ही बहुत अच्छी बन जाती है सब्जी। और कुछ नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ लहसुन का लगता है। सब सारे मसाले इसमें आ चुके हैं, अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे घोट के और उसके बाद ये फलियों को दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीरज जी यहाँ पे देसी फलियां हैं सब इसमें दे रही हैं। तड़का हमारा तैयार हो चुका है और आलू यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आलू भी पड़ते हैं, तो आलू भी इसमें दिए जाएंगे बाद में। पहले फलियों को थोड़ा सा अच्छी तरह से मिलाना है। चलिए ये देख लो दोस्तों ऐसे बनती है गांव देहात की देसी सब्जी, चूल्हे पे मस्त वाली सब्जी बन रही है। दोस्तों चूल्हे पे सब्जी बनने का, रोटी बनने का मजा ही कुछ अलग होता है, तो ठंडी लगती है और दूसरा यहाँ पे स्वादिष्ट बहुत बनती है। तो फलियां अच्छी तरह से यहाँ पे मिल चुकी हैं, अब इसमें आलू दे दिए जाएंगे। चलिए दीजिए जल्दी जल्दी आलू, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आलुओं को दिया जा रहा है और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगा दिया जाएगा। उसके बाद हमारी सब्जी थोड़ी देर में बन जाएगी। तड़का फका तो लग गया अभी से, अब कुछ नहीं करना है, बन जाएगी है, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी सब्जी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें धनिया डाला जाएगा हरा हरा, ये देख सकते हो दोस्तों। तो ये बनकर तैयार हो गई हमारी गांव देहात की देसी फलियों की सब्जी, देख सकते हो दोस्तों क्या ही मस्त लग रही है देखने में। अब यहाँ पे बिल्कुल बन गई है, लगभग 1-2 मिनट और इसको ढककर रखा जाएगा जिससे कि धनिया हमारा पक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीरज जी ने पानी की रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है, ये देख सकते हो दोस्तों हाथ से ही यहाँ पे बनती है पानी की रोटी और एक यहाँ पे चूल्हे में सेक भी गई है, जैसे तो दोस्तों क्या ही मस्त लग रही है। यहाँ पे हमारी थाली लग के तैयार हो चुकी है, चलिए अब खाते हैं गर्मा गर्म पानी की रोटी के साथ देसी सब्जी। चलिए देख सकते हैं दोस्तों कैसी लग रही है, बहुत ही ज्यादा देखने में अच्छी लग रही है। तो चलिए खाते हैं अब, ये देख लो दोस्तों मजा आएगा। दोस्तों पानी की रोटी खाने का मजा ही कुछ होता है, चूल्हे की रोटी खाने का मजा ही कुछ होता है। आ जाइए आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म देसी सब्जी और पानी की रोटी। तो अभी दोस्तों खाना पीना खा के आ गए हैं खेत पर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ट्रैक्टर को लगा दिया है, यहाँ पे हम गाय के लिए यहाँ पे पूरों को ले जाएंगे, बाजरे के पूरा है तो इनकी कुटी करा के भूसा बना के इनको खिलाना है हमें। तो ट्रैक्टर हमने लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारे दोस्त और हम आए हैं, दो लोग ही आए हैं। तो सर्दियों में ज्यादा फायदा रहता है इनको खिलाने का, गर्म होते हैं ना ये, तो इसकी वजह से इनके पूरों को भरेंगे ट्रॉली में। तो जितने हमें जरूरत होगी उतने भर लेंगे, सब तो नहीं ले जाएंगे, सब तो काफी है। यहाँ से आप दे सकते हो, तो रस्सा वगैरह उतार के इसमें मैं यहाँ पे इसमें भरूंगा और ये ऊपर ट्रॉली में लगाएंगे। अभी दोस्तों हमने पूरा भर लिया है, दोस्तों इतने सारे पूरे भरे हैं, ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं घर को, देख सकते हो दोस्तों इतने सारे पूरा भरे हैं हमने। तो दोस्तों धूप निकल आई है, देख सकते हो दोस्तों सूरज ऊपर आ गए हैं, थोड़ी अब ठंड कम लग रही है। तो अभी दोस्तों आ गए हैं हम घर, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत मुश्किल से हमने ट्रैक्टर लगाया है। अब यहाँ पे पूरों को उतार के यहाँ पे लगाएंगे आराम से, फिर टाइम से कभी भी जब टाइम मिलेगा तब इनको कटर से कटवा लेंगे। नीरज जी भी यहाँ पे हेल्प करेंगे, देख सकते हो दोस्तों इनसे भी काम करवाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि इनको जाना है घर। तो चलिए जल्दी जल्दी रख देते हैं, यहाँ से उठाकर ऐसे उठाना है और यहाँ से लगा देंगे। दीवार से न लगाना पड़ेगा, मना करेंगे वो दीवार से, इसके साथ टेक दूं जाके और पास ना टेक दें, जाके और पास टेक दे रहा हाँ। तो दोस्तों इस बोंगे के और पास टेक देंगे हाँ, तो नीरज जी यहाँ पे लगाते जाएंगे, मैं उठा उठा के देते जाऊंगा।
तो अभी दोस्तों शाम के बज गए हैं 5:30 और यहाँ पे आप देख सकते हो अंधेरा होने वाला है। और नीरज जी यहाँ पे रसोई में अभी से ही कुछ ना कुछ करने लगी हैं। यहाँ पे आज लगाएंगी औंधा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लगेगा औंधा। औंधा लगा दिया इसमें? हाँ, दोस्तों इसमें औंधा लगा दिया है। अब आप सोच रहे हो औंधा होता क्या है? औंधा दोस्तों होता है शकरगंजी का, जो शकरगंजी बोलते हैं उसका औंधा लगता है। तो यहाँ पे शकरगंजी भर के और इसमें मटके में रख दिए हैं। किसका? मिट्टी का बर्तन है ना, मिट्टी के बर्तन में रख दिए हैं। अभी दोस्तों सुबह जाके ये जलेंगी, यानी कि इनका पानी सब सूख जाएगा और यानी कि अच्छी तरह से भुन जाएंगी। उसके बाद चाय के साथ, दूध के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो फिर सुबह खाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।